खुशी है कि हमारा एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री बना है, फडणवीस ने बनाए करके अच्छी बात है, पुनः इन आया नहीं। हमारे दोस्त के जन्मदिन के दिन एक शिवसैनिक शपथ लेता है मुख्यमंत्री जी की, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हमें, बहुत बहुत खुशी है और इनको बहुत बहुत बधाई हो, इनकी शुभकामनाएं। जीत आखिर में शिवसेना की हुई है, फडणवीस की नहीं हुई है, ये शिवसेना की हुई है। कहीं ना कहीं बीजेपी का वो जो डर था वो अभी भी कायम है और शिवसेना उससे ऊपर उठ के ही आई है। 5 साल मतलब बोले तो अपनी शिवसेना की सरकार होगी। क्या है, मैं निष्ठावंत शिवसैनिक हूँ, उद्धव साहब का मानने वाला हूँ, मातोजी की सिवा कोई दरवाजा मुझे पता नहीं। मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, पावर इज बाला साहब ठाकरे ओनली, नो वन एल्स। एक दिन आएगा, देखिए ये उद्धव सेना है, ये सिंधे सेना है, लेकिन दोनों एक साथ है, शिवसैनिक है ना, लेकिन दोनों एक साथ केक काट रहे हैं। देखो हम लोग सब शिवसैनिक है ना, खानदानी, लेकिन दोस्तों हमारे बीच हैं उदय पारसेकर जी, युवा सेना शिवसेना के कर्मठ कार्यकर्ता। आज इनका जन्मदिन है और आज शिवसेना की मतलब विक्ट्री, ऐतिहासिक सरकार बनी है और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने हैं। तो अब तो आपका जब भी बर्थडे आएगा वो बर्थडे अब ये उनके शपथ ग्रहण से जोड़ के देखा जाएगा कि जिस दिन उदय पारसेकर का बर्थडे था उसी दिन एकनाथ शिंदे जी ने शपथ ग्रहण किया था मुख्यमंत्री के पद का। तो कहीं ना कहीं आपके शिवसेना के सीएम के लिए बड़े ही लक्की हैं, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा क्योंकि शपथ विधि तो उन्होंने ले ली और उनके मतलब बर्थडे तो साइड में रहा पर उन्होंने जो शपथ विधि ली उसकी खुशी से हम ये बर्थडे मना रहे। वो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी है ना, अब आपके अंदर जोश हो जाएगा। आपके पहले भी आपके शिवसेना के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे जी, अभी इतने सारे 10-11 दिन में जो है बहुत सारा ये हुआ, कयास लगाया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, शाम तक किसी को नहीं पता था, अचानक से बिग ब्रेकिंग न्यूज आता है कि एकनाथ शिंदे जी सीएम बनेंगे और शपथ ले भी लिया उन्होंने। हमको ये मालूम ही था यही चीज़ होने वाली है क्योंकि जो गुवाहाटी में बैठे थे तो हमको पूरी खबर थी, खाली ऊपर से हमको आदेश था वेट एंड वॉच, क्योंकि पहले से ही बोल दिया था वेट एंड वॉच, तो हम वेट एंड वॉच ही कर रहे थे और उसकी खुशी हम लोग को आज मजा आ रहा है। ये तो दोस्तों छुपे रुस्तम मिले निकले, मीडिया को पता नहीं, आज तक को पता नहीं, आर भारत को पता नहीं, टाइम्स नाउ को पता नहीं, इनको पता था, मुझे भी पता नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपका बर्थडे जो है इसका जो सेलिब्रेशन है वो डबल हो गया। क्या है, मैं निष्ठावंत शिवसैनिक हूँ, उद्धव साहब का मानने वाला हूँ, मातोजी की सिवा कोई दरवाजा मुझे पता नहीं। मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, पावर इज बाला साहब ठाकरे ओनली, नो वन एल्स। एक दिन आएगा, देखिए ये उद्धव सेना है, ये सिंधे सेना है, लेकिन दोनों एक साथ है, शिवसैनिक है ना, लेकिन दोनों एक साथ केक काट रहे हैं। देखो हम लोग सब शिवसैनिक है ना, खानदानी, लेकिन उद्धव सेना सिंधे सेना, ये थोड़ी सी हंसी मजाक थी। तो वाकई में आज बहुत ऐतिहासिक दिन है महाराष्ट्र के लिए क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं विक्ट्री हुआ है। सीएम तो ये पता था हमें कि जो है बीजेपी और शिवसेना की युति पे बीजेपी के सीएम होंगे, लेकिन अचानक जब ये खबर आती है कि बीजेपी के सीएम नहीं होंगे, शिवसेना के ही सीएम होंगे, एकनाथ शिंदे जी सीएम बने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जैसा कि मैंने आपको थाने के बारे में भी बताया कि थाने में उनके पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलता हूँ एकनाथ शिंदे साहब सीएम बने वो बात की तो हमें खुशी है कि हमारा एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री बना है, फडणवीस ने बनाए करके अच्छी बात है, पुनः इन आया नहीं, लफड़ा हुआ था, बाकी हम खुश है। इस बात का लोग जो है एक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी सीएम नहीं बन के डिप्टी सीएम बने, तो अब इस पे टीका टिप्पणी शुरू हो गई है, लेकिन राजनीति में
कुछ भी पॉसिबल है। महाराष्ट्र के इस फैसले ने बता दिया कि राजनीति में नथिंग इज इम्पॉसिबल, राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। ये देखिए दोनों दोस्त हैं और माम कुछ मुद्दों पे दुश्मन है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? एक्चुअली आज दुगनी खुशी है, एक तो उदय का बर्थडे हम लोग कल सेलिब्रेट करने की पूरी तैयारी कर रहे थे और ऊपर से ये सरप्राइज मिला एकनाथ शिंदे जो हमारे शिवसैनिक है उनका मंत्री मुख्यमंत्री पद का एक शपथ लिया उन्होंने अभी अभी, उसके बाद ही उदय भी आया केक काटने। तो कहीं ना कहीं हम लोग में बहुत सारी खुशी है और एक कार्यकर्ता या कोई सदस्य हम लोग तो उसमें हम लोग कन्फ्यूज थे, लेकिन एक शिवसैनिक एंड में एक मुख्यमंत्री बना है, जीत आखिर में शिवसेना की हुई है, फडणवीस की नहीं हुई है, ये शिवसेना की हुई है। कहीं ना कहीं बीजेपी का वो जो डर था वो अभी भी कायम है और शिवसेना उससे ऊपर उठ के ही आई है। 5 साल मतलब बोले तो अपनी शिवसेना की सरकार होगी और यहाँ तक बाला साहेब ठाकरे साहब ने भी एक बार बोला था कि अगर एक दिन ऐसा आएगा कि एक आम आदमी वो शिवसेना शिवसैनिक जो रहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, आज वो दिन है, एकनाथ शिंदे साहब ने वो शपथ ग्रहण किया है मुख्यमंत्री पद के लिए, बस इतना कहना चाहूँगा। बड़े ही इमोशनल, बड़े ही भावुक उन्होंने कहा कि फडणवीस जी नहीं, मतलब सीएम बने एकनाथ शिंदे तो डिप्टी सीएम अगर फडणवीस जी बनते हैं तो जीत कैसी हुई, ये सवाल उन्होंने उठाया है। तो उनके शिवसैनिक होने के नाते कहीं ना कहीं कम बड़ी बात है सर, शिंदे साहब ने शपथ ग्रहण किया है, हम शिवसैनिक है, हम शिवसैनिक ही रहेंगे। हमारे दोस्त के जन्मदिन के दिन एक शिवसैनिक शपथ लेता है मुख्यमंत्री जी की, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं, हमें बहुत बहुत खुशी है और इनको बहुत बहुत बधाई हो, इनकी शुभकामनाएं। ये सब अभी शिंदे साहब जब हमको कुछ मार्गदर्शन करेंगे तो हम आगे आगे और बहुत कुछ करेंगे और सब यूथ है ना हमारे साथ में, ये तो ऐसा हर यूथ जुड़ा है हमारे साथ, ये तो ऐसा कह सकते हैं कि मेरे यार का जन्मदिन है और आज महाराष्ट्र में सीएम का शपथ ग्रहण भी है। तो उसके बारे में मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमारी संगठना है जो अखिल भारतीय छावा संगठना, हमारे नाना साहब जावले पाटिल, इनका पूर्ण पाटिंबा शिंदे साहब को है, लेकिन दिल से मैं कट्टर शिवसैनिक हूँ, ये बात मैं सबके सामने बोल सकता हूँ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज उदय पारसेकर का जन्मदिन स्पेशल इसलिए हो गया क्योंकि आज जो है एकनाथ शिंदे जी ने सीएम का शपथ ग्रहण किया है, देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम का पदभार संभाला है। तो आज देख सकते हैं कि उदय पारसेकर को लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, केक काट रहे हैं और दुगनी खुशी मना रहे हैं। जन्मदिन में इनकी इनके लिए तो खुशी मनाते ही थे, तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल आर शिवसैनिक तो उनकी खुशी डबल हो गई। थैंक यू सो मच।